90 साल बाद रक्षाबंधन पर आया ऐसा मुहूर्त जिसमें बिना चूके रक्षा सूत्र बंधवाने वाले को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। भाइयों, इस शुभ मुहूर्त में राखी अवश्य बंधवाएं। ज्योतिष विद्वान के अनुसार इस बार चार दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार राखी बंधवाना इतना शुभ माना जा रहा है कि अगर आपकी बहन नहीं है तो भी इस दिन किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से ही अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र या कलावा अवश्य बंधवाएं। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। ये संयोग वर्ष में दुर्लभ ही आता है, इसलिए इस योग में रक्षा सूत्र बंधवाना अत्यंत शुभ है। माना जाता है आपके इर्द गिर्द घूम रही नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिल जाती है। बिना किसी उपाय के आपके काम बनने लगेंगे। अगर अब तक आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, किसी काम में निर्णय लेने में देरी कर रहे थे, तो इस मुहूर्त में बांधा गया रक्षा सूत्र संशय को दूर करने में आपकी मदद करेगा। अब फटाफट नोट करें रक्षा बंधन की शुभ तिथि। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सोमवार प्रातः 3:04 से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर ही रक्षाबंधन मनाया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी भी भाई को राखी बांध दे। 19 अगस्त को राखी बांधने के लिए आपको जल्दी नहीं करनी है। शुभ मुहूर्त दोपहर 2:07 से प्रारंभ हो रहा है, जो रात्रि 8:20 तक रहेगा। आपको इसी मुहूर्त में यानी दोपहर के समय ही राखी बांधना है, भूल कर भी सुबह सुबह तैयार न हो जाएं। ज्योतिष विद्वान के अनुसार जिस मुहूर्त में भाई को राखी बांधना सबसे शुभ है उसे नोट करें। 19 अगस्त शाम 6:57 से रात के 9:10 तक का समय प्रदोष काल का समय रहेगा। इस समय राखी बांधना सबसे शुभ है। ध्यान रखिए, सुबह से दोपहर के 1:32 तक राखी न बांधे, क्योंकि ये समय भद्रा का रहेगा और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 18 अगस्त की रात में भद्रा काल का प्रवेश हो रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उनकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और ऐसा कहा जाता है उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इसी वजह से भद्रा काल में राखी बांधने की सख्त मनाही की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाइयों के लिए ही शुभ है, बहनों के लिए ये त्योहार खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है द्वापर युग में सबसे पहले द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, जिसके बाद खून बंद करने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण जी के कटे हुए भाग पर बांध दिया था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस आचरण से ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उसी वक्त द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दे दिया। और हम जानते ही हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारे जाने पर अपना ये वचन निभाया। तो बहनों, हो जाएं तैयार, जाएं बाजार से खूबसूरत राखी ले आएं। 19 अगस्त की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सुंदर सी थाली सजाएं, थाली में कुमकुम, अक्षत, घी का दीपक और कलावा या सुंदर सी राखी और भाई के मनपसंद मिठाई रखें। सबसे पहले भगवान को राखी भोग अर्पित करें, फिर अपने भाई की कलाई पर विश्वास और प्रेम की सुंदर डोर बांध दें। भगवान आपकी और आपके भाई की सभी इच्छाओं की पूर्ति करें। इसी कामना के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।